ये अभी ऊपर आया तो भाई ने बोला सबसे पहले आज ना डस्ट के केस की सफाई कर लो, बहुत गंदा वाला स्मेल आ रही है, ये पानी वगैरह अंदर फेंक देते हैं, और बच्चे भी बीच में आग लगे रहते हैं दोपहर में छोटे, तो इससे पहले इनकी सबसे पहले सफाई कर दूँ। मट्टी लेकर आए थे, मट्टी चेंज करूँ इनकी। ये देखो इनका पहले लॉकडाउन खोले हम, चलो अभी उधर को जाओ, उधर को अंदर से थोड़ा व्यूअर्स को दिखाना कितना हसीन बना हुआ है। अभी हम आए थे नहा धोकर, और अभी देखना अभी हमारी हालत, नीचे जाएंगे तो गालियां पड़ती हैं फिर मुझे। जी मिलता हूँ थोड़ी देर में, ये पहले साफ कर लूं, तो फिर आप लोगों के साथ ही मिलता हूँ, सब परिंदों के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आते ही सबसे पहले तो एक काम किया मैंने, केज कर दिया है डक का बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उनको साफ कर दिया। पीटी और पीटी की बारी है, उनको एप्पल और अमरूद डाल दें। चलो जी आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। चलो जी भागो यहाँ में, और अब डक्स को डालता हूँ। डक्स की खुराक जो डेली आलू। इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, बहुत गंदी हुई है डक्स मेरी, इनको भी अभी साफ करते हैं। इनको टब में पानी डाल के इनको नहलाता हूँ, ये मट्टी की वजह से उधर से हो गए थे गंदे। फिलहाल अपनी पतंग देखो किधर आ रही है। जी माशाल्लाह से डक्स ने तो अपनी डाइट कम्प्लीट कर ली, वो तो उधर नहा कर तो एक साइड पर खेल रही हैं। तो मैंने अपने चूजे खोल लिया, इनको अपनी इनको डाइट देता हूँ ताकि ये भी अपनी कंप्लीट करे, और जल्दी से मैं अपने पिंजरे को खोल लूं। ओ इधर इधर खाओ, आई घणो माल है, आई घणो ज्यादा घणो हो गया, बहुत घणो। चलो नीचे मार टोकरी, चिक्स मैंने इधर बंद कर दिए सारे, वो भी उधर बंद कर दिए, ये भी इधर। अब पिजन की बारी है, अब इनको खोल लो। अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी को बुला, अब्दुल्ला जी कराओ। ये भाई एक चीज तो भूल ही गया, मैं लेकर आया था आज जाकर। मैं मुझे नहीं पता क्या लाया, मैं ना वो फैंसी कबूतर के लिए चूड़िया लेकर आया था। ये तो मैं पहले बताता ना, शाम में जब छोड़े हुए थे वो अच्छे लगते पहनते, काम में आती वो उधर लग गया, फिर इधर ये सफाई वगैरह करके काम याद नहीं रहा, कामों में लग गया था। चल अभी निकाल ले फटाफट, निकाल ले अभी डाल दे, चल आए बैठे हुए तो है। आओ इधर फिलहाल को ये वाला कबूतर पर चले, ये वाला ऊपर वाला फैंसी। डाल लो क्या,
मेरे से तो मुश्किल ही होगी। चलो जी, फैंसी कबूतर को भी सजा दिया मैंने आज, ये देखिए इनके पांव पे बाल बहुत है ना। नहीं जा रही लेकर, तुम इसी के लिए आया था। चलो जी, अब इसके ऊपर कौन सा, ये वाला हरा वाला कलर लाइट, ये देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये देखे, अब दूसरे पांव को भी भाई जल्दी से पहनाओ, फिर सही से दिखाएं व्यूअर्स को। जी माशाल्लाह, ये देखे दोनों पांव पे कितनी प्यारी लग रही है, कलर भी सूट कर रहा साथ में इनके भाई, माशाल्लाह। शाम में दिखाते ना, पहन लेते हुए। वहाँ पहले बस याद ही रहा, बस आते ही डक का केस साफ करने लगे, इधर काम वगैरह लगा रहा। वो तो जेब में जब मैंने हाथ मारा तो मुझे याद आया कि वो इसके लिए तो मैं चूड़ी लाया था। वीडियो बन रही है ना? हाँ वीडियो बन रही, बन रही। ये देखें दीवार पे चला गया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो प्यारी लग रही है, आपको भी इंशाल्लाह प्यारी लगेंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें कि उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरा फैंसी कबूतर भी पसंद आया होगा आपको। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलना मत। अभी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, बाद में आप भूल जाते हो पूरी वीडियो देखने के चक्कर में। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।